स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्रीज मिस्ट्री का। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं किसके बारे में, पॉलीन्यूक्लियर के बारे में पढ़ रहे हैं, और हम इससे पहले पढ़ चुके हैं नेफ्थलीन के बारे में, नेफ्थलीन की रिएक्शंस क्या क्या होती हैं, नेफ्थलीन की जो डेरिवेटिव होते हैं जैसे कि नेफ्थोल के जो प्रोडक्ट्स की रिएक्शंस पढ़ चुके हैं। नेफ्थोल जो होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है देन फिनोल से, तो ऐसा क्यों होता है हम ये सब पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एंथ्रेसीन के बारे में। तो पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि एंथ्रेसीन होता क्या है। एंथ्रेसीन क्या होता है? एंथ्रेसीन एक तरह की बेंजीन रिंग ही होती है, लेकिन इसमें जो बेंजीन रिंग होती है वो तीन बेंजीन की रिंग जो होती हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। वो बेंजीन की रिंग जो होती हैं वो आपस में कनेक्ट होती हैं, फ्यूज़ होती हैं। ठीक है, वो फ्यूज़ होती हैं और कुछ इस तरीके से कनेक्ट होती हैं। ठीक है, आप इसकी जो पोजिशनिंग जो नेमिंग करते हैं इसको होता है, इसे कहते हैं 1, इसे कहते हैं 2, इसे कहते हैं 3, इसे कहते हैं 4, इसे कहते हैं 5, ये 6th पोजिशन, ये 7th, ये 8th, ये 9th और ये 10th पोजिशन। जो हमारे जो वर्ट सबसे ऊपर लगे हुए हैं ये होते हैं हमारी अल्फा पोजिशंस, ये जो हैं ये होती है हमारी अल्फा पोजिशंस। ठीक है, और ये जो है हमारी ये होती है हमारी बीटा पोजिशंस। ठीक है, ये वाली ये है हमारी बीटा पोजिशन, जबकि जो 9 और 10 पोजिशन है ये हमारी गामा पोजिशंस होती हैं। ठीक है, ये क्या होती है हमारी गामा पोजिशंस होती हैं। अब ठीक है, तो ये बेसिक था इसके बारे में। अब हम देखते हैं इसकी एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी देखते हैं कि क्या इसकी एरोमेटिसिटी देखते हैं। सबसे पहले हम अपना कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का होता है, जैसे ये कुछ इस तरह का होता है, जैसे दिखा रखा है यहाँ पे पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो होता है क्या है, यहाँ पे इसके जो सब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी सिमिलर सारे के सारे क्या हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है सब एटम्स। ठीक है, सब एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड तो क्या होगा, ये प्लेनर होगा। अगर प्लेनर है, अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके जो यहाँ पे सब ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये क्या होंगे, पी ऑर्बिटल्स होंगे, ये वाले यहाँ पे क्या होगा, और ये क्या करेंगे, सब एक दूसरे से कॉन्जुगेशन में रहेंगे, तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन होगी। तो यहाँ पे ये वाला ये तो सब एक दूसरे के साथ ऐसे कुछ इस तरीके से रहेंगे बॉन्ड में, तो एक तरह से साइक्लिक कंजुगेशन होगी। ठीक है, सेकंड कंजुगेशन, और तीसरा होता है हकल्स रूल। हकल्स रूल क्या कहता है कि हकल्स रूल क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, तो ये पाई बॉन्ड्स है, एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल कितने देंगे 7 × 2 कितने को 14, और इसमें करके देते हैं 4 × 3+2 तो कितने का टोटल 14। तो ये क्या कर रहा है, ये इसको फॉलो कर रहा है, किसको, तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस बट ये ऐसे ही होता है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो है 14 pi इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो ये है, अब इसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आगे देखेंगे। तो होगा क्या, सबसे पहले ये जो बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। ठीक है, तो इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन जाएगी। कुछ इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे पाई बॉन्ड शिफ्ट हुए हैं जैसे, तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे। ठीक है, और ये जो इसमें तो कोई चेंज आया ही नहीं है। ठीक है, तो ये है, अब क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है, ये वाले पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होंगे। ठीक है, और नहीं, अब होगा क्या, देखते हैं इसमें होगा क्या,
तो एक ये वाली कंडीशन बन जाएगी, जैसे कि यहाँ पे है इस वाले से ही जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, देखिए हमने फर्स्ट स्ट्रक्चर देखी है, इससे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन से यहाँ कुछ यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ये वाले यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ये वाले यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और ये वाले यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो जो थर्ड कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है वो सेकंड से नहीं बनेगी, वो फर्स्ट से ही बनेगी। कैसे बनेगी वो देखते हैं हम, इसको मैं नीचे ले देता हूँ, कैसे बनेगी, इससे फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड। अब थर्ड बनाता हूँ मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो कैसे बनेगी कुछ ऐसी। कैसे बनेगी मैं दोबारा से बता दूँ, ये पाई बॉन्ड जो होंगे वो यहाँ शिफ्ट होंगे, वो इसमें यहाँ शिफ्ट होंगे और इस वाले में यहाँ शिफ्ट होंगे, थर्ड कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में। सेकंड वाले में क्या था, जबकि ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ था, ये वाला यहाँ शिफ्ट हुआ था, ये वाला यहाँ शिफ्ट हुआ था, सेकंड में था। थर्ड में क्या होगा, ये यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे शिफ्ट होगा। ठीक है, दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ये वाला यहाँ पे, बाकी के दोनों में तो कोई चेंज आया ही नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे होगा। ठीक है, तो फोर्थ कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी, फोर्थ कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं। फोर्थ कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये वाली जो होगी ये थर्ड से बनेगी। कैसे बनेगी वो देखते हैं। थर्ड से नहीं बनेगी, सेकंड से बनेगी। सेकंड में होगा क्या, ये वाला पाई बॉन्ड जो होगा वो यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला यहाँ शिफ्ट होगा। ठीक है, तो देखते हैं कुछ इस तरीके से। फर्स्ट में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं। ठीक है, तो कुछ ऐसा होगा, ये वाला यहाँ पे शिफ्ट, ये वाला यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, और ये वाला जो बॉन्ड होगा वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसी बनेगी शेप इसकी, ऐसे ऐसी बनेगी। ठीक है, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे। ठीक है, तो ये फोर्थ कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये है बेंजीन एंथ्रेसीन के स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये है, तो एरोमेटिसिटी है, तो इसकी कॉन्ट्रीब्यूट, तो ये एक स्टेबल कंपाउंड है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एंथ्रेसीन जो होता है वो बनता कैसे है। ठीक है, तो एंथ्रेसीन बनने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन मैं एक सिंपल एक बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, सबसे पहले बेंजीन की रिंग लेते हैं। ठीक है, तो मैकेनिज्म बाद में बताऊँगा, इससे पहले सबसे पहले मैं रिएक्शन बता दूँ होता कैसे है। ठीक है, तो दिखा देता हूँ, ये बेंजीन की रिंग है। बेंजीन की रिंग में हम क्या डालते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड। ये कुछ ऐसी शेप होती है थैलिक एनहाइड्राइड की, जो थैलिक एसिड होता है, जो हमारा थैलिक एसिड होता है, जैसे यहाँ पे CWH, यहाँ पे CWH होता है थैलिक, तो इस बस उसका एनहाइड्राइड लेना है। ठीक है, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाल देना है। ठीक है, ये थैलिक एनहाइड्राइड हो गया। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे बाय फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन करूँ, तो क्या बन जाएगा मेरा, ये कंपाउंड बन जाएगा। इस कंपाउंड का नाम क्या, इस कंपाउंड का नाम है टू बेंजोइल बेंजोइक एसिड। इस कंपाउंड का नाम क्या, जो बनेगा प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम है टू बेंजाइल बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो इसकी शेप कुछ ऐसी होगी, यहाँ से सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे बेंजीन की रिंग, यहाँ पे हमारी बेंजीन की रिंग रहेगी और यहाँ से CWH ग्रुप जुड़ा होगा। ठीक है, अब इसमें ये करते हैं, अगर मैं H2SO4 डालूँ तो मेरा एंथ्रोक्विनोन बन जाएगा। ठीक है, क्विनोन क्या होता है, जब डबल बॉन्ड अटैच हो इनसे, बेंजीन की डी से जब डबल बॉन्ड अटैच हो तो क्विनोन स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है, तो ये है कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा, इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे, डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपली हमें जिंक डस्ट डाल देना है। जिंक डस्ट जनरली करता क्या है, वो बेंजीन की रिंग हो या नेफ्थलीन की रिंग हो या एंथ्रेसीन की रिंग हो, उसके ऊपर अगर कोई
OH ग्रुप जुड़ा हो या डबल बॉन्ड O ग्रुप जुड़ा हो तो उसको रिमूव करता है। जिंक डस्ट का यही काम होता है, ठीक है। तो इसकी शेप ऐसी हो जाएगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पर। तो जिंक डस्ट क्या करता है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है मतलब डबल बॉन्ड O है, इसको रिमूव कर देता है, ठीक है। तो ये जिंक डस्ट, जिंक डस्ट। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, सिंपली होता है क्या मैकेनिज्म में, इससे मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म जो है वो इसका यहाँ तक ही है, वही इंपॉर्टेंट है, यहीं तक ही इंपॉर्टेंट है इसका मैकेनिज्म, ठीक है। देखते हैं होता क्या है। सबसे पहले हमारा जो ये ग्रुप है, सॉरी बेंजीन, ये बेंजीन है, हेलिकल नाइट्रेट तभी तो का, ठीक है। तो होता क्या है मैकेनिज्म में, सबसे पहले ये हमारा थैलिक अनहाइड्राइड है, ये हमारा थैलिक अनहाइड्राइड है, ठीक है। सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ, बॉन्ड ओ नेगेटिव, ठीक है। ये क्या करता है, ए एल सी एल थ्री से रिएक्ट, ये क्या करता है, ए एल सी एल थ्री से रिएक्ट करेगा। ए एल सी एल थ्री से रिएक्ट कैसे करेगा, तो होता क्या है, जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम पे एम टी पी ऑर्बिटल्स है, और जो इलाकी है ऑक्सीजन है, इस पर लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए क्या है लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो होता क्या है, ये करता है इस पर, इसका अटैक होता है यहाँ पर, इसका अटैक होता है यहाँ पर, और जैसे ही इसका अटैक होता है, इसका अटैक होता है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका जब इसका अटैक होगा ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन क्या, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन पे जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, और ऑक्सीजन पे कभी पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, इसलिए ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड टूटने के बाद कुछ स्ट्रक्चर कुछ ऐसी हो जाएगी इसकी, देखते हैं। तो ये हमारा ए एल सी एल थ्री ओ, और इससे अटैच होगा ये डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। यहाँ पर बेंजीन की रिंग, बेंजीन की रिंग है ये, और ये सी डबल बॉन्ड ओ। अब कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, तुरंत के तुरंत ये करेगा बेंजीन की जो हमारी जो बेंजीन की रिंग थी उस पर अटैक करेगा, जो बेंजीन की रिंग है ये करेगा, बेंजीन के रिंग पर अटैक करेगा। अब ये किसी पोजीशन पे कर सकता है, ये इसका अटैक यहाँ पर होगा, ठीक है। होगा क्या, ये बेंजीन की रिंग है, यहाँ से अटैच, यहाँ से अटैच, अगर ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे, इस कारण में पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इस कारण में पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पर होगा हाइड्रोजन, और ये सी डबल बॉन्ड ओ, और सी डबल बॉन्ड ओ से हमारा बेंजीन की रिंग अटैच्ड है, ठीक है। सी डबल बॉन्ड ओ से बेंजीन की रिंग अटैच्ड है, और ये हमारा एसाइल ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ एसाइल ग्रुप नहीं, ये वाला ग्रुप नेगेटिव, और ए एल सी एल थ्री इस कार्बन, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, इस एल्यूमिनियम पे जो एल्यूमिनियम है इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स लिए, ठीक है। यह है, अब क्या होता है, इस ये जो बेंजीन की रिंग है ये स्टेबलाइज हो जाएगी, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इसे पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो दिखा नहीं रहा मैं, क्योंकि ये जनरली हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिजिक्स उसमें, फ्रेडरिक का फैसिलेशन में, और इलेक्ट्रोफिलिक सेपरेशन तो ऐसा होता ही है, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इसके बाद, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, ये जो बॉन्ड होगा ये हाइड्रोजन टूट जाएगा, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड रिलीज हो जाएगा, वो हाइड्रोजन हाइड्राइड प्रोटॉन है वो रिलीज़ हो जाएगा, वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो होगा बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसी शेप बन जाएगी, सी डबल बॉन्ड ओ सी, ये बेंजीन की रिंग, ठीक है, और सी डबल बॉन्ड ओ ओ। अब जो हमारा जो प्रोटॉन रिलीज़ हुआ था, जो प्रोटॉन रिलीज़ हुआ था वो ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज था, ये तुरंत ही तुरंत क्या करेगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, ये तुरंत बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ए एल सी एल थ्री वापस मिल जाएगा, और जो हमारा जो प्रोटॉन रिलीज़ हुआ था इस पर नेगेटिव चार्ज देगा, और जो हमारा प्रोटॉन था, जो हमारा प्रोटॉन था
वो यहाँ पे वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा। इस ऑप्शन पे कोई चार्ज नहीं क्योंकि इसने जो है इस ऑप्शन पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। ठीक है, इसने तो जो इस ऑप्शन पर कोई चार्ज नहीं क्योंकि इस ऑप्शन ने तो जो इलेक्ट्रॉन थे वो अपने इलेक्ट्रॉन इसको बॉन्ड को तोड़ लेते हैं, ऐसे तोड़ लेते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बॉन्ड तोड़ के अपने अपने इलेक्ट्रॉन वापस लेते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन इसको कोई चार्ज नहीं है इस ऑक्सीजन पर, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। इसका नाम बताया था मैंने टू बेंजाइल बेंजोइक एसिड, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, H2SO4 डालेंगे हमारा एंथ्रेक्विनोन बन जाएगा। एंथ्रेक्विनोन में बस केवल जिंक डस्ट डालना है, हमारा एंथ्रेसिन ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। थैंक यू। तो दोस्तों हम अब तक हम पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ लिया है एंथ्रेसिन की प्रॉपर्टी, एंथ्रेसिन की प्रिपरेशन पढ़ ली, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एंथ्रेसिन की केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज में जनरली इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही आती है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ही हम अपना कंपाउंड लेते हैं एंथ्रेसिन लेते हैं, ये हमारा एंथ्रेसिन है, तो एंथ्रेसिन में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा वो किस जगह होगा, हम इस जनरली अब हम ये देखते हैं। तो होता क्या है, जैसे ही कोई इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, जनरली इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, वो अटैक होता है, हम देखते हैं अगर हम 9 पोजीशन में करके देखते हैं तो होगा क्या, हम ये देखते हैं, ठीक है। ये है, तो ये बेंजीन की रिंग, तो यहाँ ये बॉन्ड टूटा, इस कारण में पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, कुछ ऐसे खुल जाएगा, और ये है, ठीक है। तो होगा क्या, इस कारण में पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो होगा क्या, ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आ चुका है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो हम देख रहे हैं दो बेंजीन की रिंग बन चुकी है, और दो बेंजीन की रिंग बन चुकी है, इसका मतलब ये कंपाउंड बहुत ही ज़्यादा स्टेबल बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा वो कहाँ पर होगा, 9 और 10 पोजीशन में अटैक होता है। तो ये याद रखना कि एंथ्रेसिन का जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो कहाँ पर होती है, 9 और 9 पोजीशन पे या फिर 10th पोजीशन पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा, यहाँ से प्रोटॉन रिलीज होगा, ये बॉन्ड वापस वहीं बन जाएगा, ठीक है, बॉन्ड बन जाएगा, मतलब प्रोटॉन रिलीज होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है इसमें। अब हम देखते हैं इसकी जो, अब क्या हो सकता है, अगर कोई यहाँ पे प्रोटॉन है, जैसे हमने प्रोटॉन देख लिया, यहाँ पे प्रोटॉन है, अगर हम क्या करें, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऐड कर दें, तो यहाँ पे मैं दोबारा से नहीं लिख रहा, यहीं पर बता देता हूँ। तो इसमें केवल यही होगा, जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो न्यूक्लियोफाइल पर कौन सा जाएगा, न्यूक्लियोफाइल पर कौन सा जाएगा, नेगेटिव चार्ज था, और यहाँ पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो न्यूक्लियोफाइल का जब एडिशन होगा, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसी शेप हो जाएगी, ये बेंजीन की नेथिलीन ज़्यादा, नेथिलीन की स्ट्रक्चर, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन तो है ही, ठीक है। ये कुछ ऐसी शेप हो जाएगी इसकी। तो अब देखते हैं हम एंथ्रेसिन की जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं वो देखते हैं। अगर HNO3 की सजा कराएं और एसिडिक एनहाइड्राइड एक तरह से हम कैटलिस्ट लें, कैटलिस्ट की तरह जो होगा, टेम्परेचर शुड बी 15 to 20 डिग्री सेल्सियस, इसके बीच में होना चाहिए। तो जो हमारा जो कंपाउंड होगा वो जो एंथ्रेसिन पे जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो कहाँ पर होगा, हमारी 9th पोजीशन पे या फिर 10th पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। कहाँ पर होगा, 9th पोजीशन पर होगा या फिर 10th पोजीशन पे। सिमिलरली अगर मैं हैलोजन का यूज़ करूँ, हैलोजन डालूँ और कैल्शियम सल्फाइड की प्रेजेंस में, सॉरी कार्बन सल्फाइड, ठीक है, तो एक्स शुड बी क्लोरीन और ब्रोमीन। तो मैं यहीं पर दिखा देता हूँ, बना देता, तो एडिशन जो होगा वो जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो कहाँ पर होगा, 9 पोजीशन पर ही होगा,
और अगर मैं एसाइलेशन कराऊँ फ्रिडल काफ एसाइलेशन कराऊँ तो एल C3 के प्रेजेंस में होता है। अगर यहाँ अगर देखें अगर ये नॉन पोलर में लें, नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि CCl4 ले लें या CH2Cl2 ले लें, तो जो एडिशन होगा वो कहाँ पर होगा, नाइन्थ पोजिशन पर ही होगा। ठीक है, अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं जैसे कि CCl4 ले सकते हैं या फिर CH2Cl2 ले सकते हैं। ठीक है, तो एडिशन जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो कहाँ पर होगा, नाइन्थ पोजिशन पर या फिर टेंथ पोजिशन होगा। बट अगर हम फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन कराएं और वो फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन में कराएं, अगर वो पोलर सॉल्वेंट, अगर हम पोलर सॉल्वेंट लेंगे तो एडिशन कहाँ पर होगा, फर्स्ट पोजिशन पर होगा। ठीक है, अल्फा पोजिशन पे, जितनी हमारी अल्फा पोजिशन है वो किसी भी जगह पे, किसी भी अल्फा पोजिशन पर हो सकता है, यहाँ पर 1 पे 4 पे 5 पे या फिर 8 पे। ठीक है, किसी भी जगह हो सकता है। अगर हम H2SO4 का यूज़ करें तो जो हमारे दो प्रोडक्ट मिलेंगे हमारे, एक तो हमारा मिलेगा, मतलब एक ही प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक हमारा अल्फा पोजीशन पे मिलेगा, एक प्रोडक्ट हमारा अल्फा पोजीशन में मिलेगा और एक हमारा बीटा पोजीशन में मिलेगा। ठीक है, देखते हैं, ये अल्फा पोजीशन में मिलेगा, ये पहले एंथ्रेसिन की रिंग बना लूँ, एक हमारा अल्फा पोजीशन मिलेगा और एक हमारा जो मिलेगा बीटा पोजीशन पे, एक हमारा अल्फा पोजीशन मिलेगा और एक हमारा बीटा पोजीशन मिलेगा। तो अल्फा पोजीशन पता है, अल्फा पोजीशन कहाँ पर होती है, अल्फा पोजीशन होती है फर्स्ट पे, फोर्थ पे, फाइव पे और एट पे। ठीक है, तो ये होती है हमारी बीटा, अल्फा पोजीशन पे और बीटा पोजीशन। ठीक है, अगर एक्सिस एस टू एस फोर ले लूँ तो कहाँ पर होगा, कहाँ पर एडिशन होगा, एक यहाँ पर होगा, मतलब जितने भी अल्फा प्रोडक्ट जहाँ पर भी अल्फा है अल्फा पोजीशन मिलेगा, अगर एक्सिस ऑफ एस टू एस फोर हो, और टेम्परेचर कम हुआ तो कहाँ पर मिलेगा, अल्फा पोजीशन पे। बट अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो हमें कहाँ पर मिलेगा, बीटा पोजीशन पे, दो सल्फोनिक जो SO3H ग्रुप है वो मिलेंगे। ठीक है, दोबारा से कहता हूँ कि अगर टेम्परेचर कम हुआ, एक्सिस ऑफ एस टू एस फोर डाला है तो प्रोडक्ट कहाँ पर मिलेगा, बाय सब्स्टिट्यूशन होगा, कहाँ पर मिलेगा, अल्फा पोजीशन से मिलेगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। बट अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन होगा और यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, सो थैंक यू गाइस एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट।